गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा जिंदगी. और मैं हूँ रिजू. ഞാനാണ് ഋജു. എല്ലാവരുടെയും സ്വാഗതമാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ സുഖമായ ജീവനം. സോ കേസേ ആപ് സർ, മൈ ബർത്ത്ഡേ ഇസ് ഓവർ, നൗ ബാക്ക് ടു മൈ റുട്ടീൻ ലൈഫ്. ഓർ ബതായ കേസേ ആപ് സർ. തോ ടുഡേ ഇസ് സൺഡേ, എ ഫൺ ഡേ ഫോർ മീ, ഫോർ മൈ ഫാമിലി. ലെറ്റ് സീ ഹം ലോക് കേസേ എൻജോയ് കരത്തേ. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने किचन में ही खड़ी हूँ. बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ. तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है दिन. सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर पानी से की जाए तो इट्स गुड, इट्स गुड फॉर हेल्थ. वार्म वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो थोड़ा सा गर्म पानी पिया जाए, फिर देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्या करते हैं हम आज का दिन. चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे. हाय गाइस, आई एम बैक अगेन. आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीनी परांठा, मतलब मीठा परांठा, स्वीट परांठा देसी घी में. अच्छा लगता है ये चाय के साथ खाना, मतलब रेगुलर तो नहीं, कभी कभी चलता है. तो क्विक रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है. तो गाइस चलिए आप भी देखिए कैसे बनाती हूँ मैं चीनी परांठा. चीनी परांठा विद चाय. एक्चुअली मलाई है दूध में, तो मैं इसको हटा के फिर चाय बनाऊंगी, नहीं तो चाय बहुत ऑयली ऑयली, जैसे ऊपर घी आ जाता है चाय में ना. मैंने दूध को एक्चुअली छान लिया है, जिससे कि मलाई ना आए दूध में. गाइस, इट्स माय कप विद माय पिक, लिख रहे हो आप. ये एक्चुअली काफ़ी सालों पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन माय बर्थडे, तो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. वो इसी में चाय पीते हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्वीट परांठा. तो उसके लिए सबसे पहले आप आटा लें. फ्लेम को थोड़ा सा धीरे कर दीजिए और हाथ से ऑन करके ये मैंने देखिए आटा लिया है.
एक्चुअली आप जब बेलते हैं रोटी तो ये हिलता है, ये जो बटा है हिलता है, इसके लिए अच्छा है कि आप एक डस्टर लेके इसके नीचे रख ले, जिससे कि ये बेलते वक्त हिलेगा नहीं, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैंने चाय का गैस ऑन नहीं किया, दिस इज घी, टेक सम घी। नहीं आने दे, नहीं, नाउ शुगर, पंचसारा थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिए इसमें, चारों तरफ फैला दीजिए। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, परी जीरगम, एक्चुअली ये टेस्ट को बढ़ा देता है, तो हम थोड़ा सा ये डालेंगे इसमें। और एक्चुअली ये जो परांठा है घी में ही बनता है, तभी इसका टेस्ट आता है, आप नॉर्मल ऑयल, रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं यूज करें। अब हल्के हाथों से इसे फैलाइए और एक अच्छी सी शेप दे दीजिए आप स्क्वायर पे। ये तवा अच्छे से गर्म हो गया है, ये मैंने डाल दिया है। चाय में थोड़ी सी चीनी, एक मिनट मैं अभी आती हूँ। दूसरा गैस भी ऑन कर देंगे, ब्रेड के लिए। इट्स अ ग्रिल्ड सैंडविच, इसको मैं गरम कर रही हूँ, तो आज ये भी खा लेंगे हम लोग। नॉर्मल ब्रेड,
जब थोड़ा सा पक जाए एक तरफ से, तब आप उसे टर्न करें